स्कूल और कॉलेज जो है तीन पारियों में खोलने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रार्थना पर लगेगी रोक, कैंटीन रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार जो है सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो है जो तीसरी लहर आ रही है उसके बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पे लगातार जो है शासन प्रशासन जो है एक्टिव हो गया है। गृह विभाग की गाइडलाइंस के बाद शिक्षा विभाग ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश भर के स्कूलों में अब तीन पारियों में पढ़ाई होगी। कक्षा पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को 10:30 से 4:15 बजे तक जो है इस शिफ्ट में यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यहाँ पे जो है सरकार जो अलर्ट हो चुकी है। स्कूल में प्रार्थना सभा जो है वो नहीं होगी। साथ ही स्कूल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव अगर आता है तो 10 दिन जो है स्कूल बंद रखी जाएगी। गेट पर जो है स्क्रीनिंग जरूरी है। क्लास में 2 गज की दूरी पर ही जो है अभ्यर्थी बैठकर अध्ययन करेंगे। कैंटीन भी जो है वो सभी बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा जो है अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा। साथ ही दोस्तों क्वारंटीन भी वहाँ पर जो है किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास चलाना जो है सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य यहाँ पे किया गया है। आपको बता दें प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बाद शिक्षा विभाग ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब स्कूल प्रशासन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास जो है चलानी होगी। स्टाफ की भी स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका जो है अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। साथ ही दोस्तों जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे नहीं होती है जैसे प्रार्थना सभा, कैंटीन, ये सभी जो है बंद कर दिए गए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम भी जो है नहीं किए जाएंगे। बस, ऑटो, कैब ड्राइवर को 14 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होगी। हालात को देखते हुए फैसले लेने पर जो है जिला कलेक्टर को आदेश जो है दिया जा चुका है। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से स्कूल आने के लिए जो है परमिशन जरूरी होगी। अगर गार्जियंस चाहते हैं तो ही बच्चा स्कूल आए, अन्यथा दोस्तों स्कूल से जो है बच्चा छुट्टी भी कर सकता है। यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है इस बार जो है सर्दियों में लहर आई है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भयानक हो सकती है। इसको देखते हुए लगातार सरकार ने जो है उचित कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन जो है जिला कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया है। तो दोस्तों जैसे ही स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान को लेकर कोई अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ही कोरोना को लेकर कोई भी अपडेट आएगी हम आपको इसी चैनल से अवगत कराएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।